यह कहानी है एक ब्रह्म राक्षस की, जिसे आप लोग जानते ही होंगे। उस राक्षस का नाम है ब्रह्म राक्षस। इस पर कई कहानियाँ भी बनाई जाती हैं और राक्षस के अनेक नाम होते हैं, जैसे कि पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। तो चलो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताती हूँ जो कि है ब्रह्म राक्षस की और उसी के जुड़े एक गाँव की। गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जनी कहकर बुलाते थे। उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत ही पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवाया और अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद दुर्जनी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते और कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें क्या हुआ है? दुर्जन जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? मैं ही तो भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कभी दांत मीचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीवी के शक हो गया कि ज़रूर किसी का साया है और वो बातें ऐसे नहीं करते हैं जैसे कि उनके अंदर से दो लोग बोल रहे हों। तब उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर दुर्जन जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी काफ़ी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े। तभी दुर्जन जी की आंखें लाल हुई और कहने लगी कि मैं किसी से नहीं डरने वाला हूँ और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ। तब तक उसका छोटा बच्चा वहाँ आ गया। दुर्जन जी ने उसे ज़ोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएंगे। उसकी मम्मी बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या किया है तुम्हारा। दुर्जन जी की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो? कौन हो आप? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके पेड़ लगाओ, मैं फिर बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर चला जाऊँगा। तब दुर्जन जी की बीवी ने 101 पेड़ बरगद के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जनी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब दुर्जन जी के अंदर जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद को काट दिया था जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था, मुझे गुस्सा आया था, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण इन्हें छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हारे पति को छोड़कर। तब दुर्जन जी अचानक सही हो गए और तब दुर्जन जी की बीवी की आंखों में आंसू निकल आए। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।